ये देखिए हम किस प्रकार से हमने यहाँ पर पानी भरा है नीतू ने, और जो बकरी वगैरह थी उनको कैसे बकरियों को पानी पिलाया है। आंखें नहीं खुलती हैं दोस्तों, इतना डेजर्ट ही डेजर्ट है चारों तरफ। आपको जहाँ तक आप देखो आपको सुनसान रास्ते ही दिखाई देंगे। यहाँ पर तो आ रहा है पसीना, लेकिन जा रहा है ऐसी जगह कि ये हमको पहनने पड़ेंगे, वहाँ पर स्वेटर वगैरह रजाई भी ओढ़नी पड़ेगी, और आपको भी ठंड का एहसास कराते हैं, क्योंकि राजस्थान में जयपुर वगैरह में सब गर्मी के ही समाचार आ रहा है। पापड़ सेकी, चिप्स सेकी, आमलेट बनाई, हम आपको कराएंगे सब ठंडी का एहसास। स्वागत है दोस्तों आपका हमारी एक और नई वीडियो में। ये देखिए दोस्तों सभी लोग कर रहे हैं तैयारी, और हिना ने तो अपना लगा रखा सर्दियों वाला है कैप, और ये देखिए नीतू ने ले लिया है रजाई, कंबल ले लिया है, और सुमन देखिए ये कैसे खड़ा है रजाई को लेकर के सिर पर खड़ा हुआ है। दोस्तों जैसा आपको पता है अभी इतना टेम्परेचर है, और हम आए राजस्थान से, आज हमारी यहाँ पर राजस्थान की ट्रिप कल ख़त्म हुई थी, और राजस्थान में इतनी भयंकर गर्मी है दोस्तों, भयंकर गर्मी है, और यहाँ भी हमारे यहाँ भी इतनी भयंकर गर्मी है कि आप देख रहे होंगे कि कितना पसीना आ रखा है। और इवन अगर मैं पीछे की तरफ कैमरा करूँगा तो देखना एसी भी चल रहा है। पर दोस्तों हम इन गर्म कपड़ों को लेकर के कहाँ जा रहे हैं, गर्म कपड़े हैं, बिछाने वाले कपड़े, ओढ़ने वाले कपड़े और पहनने वाले कपड़े। तो हिना ने तो ये देखिए सर्दियों की कैप वगैरह लगा करके एकदम रेडी हो गई है, और दोस्तों हम जा रहे हैं इस समय, क्योंकि आप टाइटल और थंबनेल देख करके तो समझ गए होंगे हम जा रहे हैं कहाँ पर, मनाली। मनाली ये देखिए, ये तो मनाली जैसा ही लग रहा है, जैसे कि पिट्टू वो केदारनाथ पर टांग लेते हैं ना, तो वो ये तो ऐसा लग रहा है। तो अच्छा, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना और अपना प्यार देना दोस्तों, मनाली की तरफ हमारी अच्छी रहे। ये देखिए दोस्तों पसीना अगर आपको दिख रहा हो ना तो बहुत। अब दोस्तों जैसा आपने राजस्थान की ट्रिप पर जो हमको प्यार दिया था ना, तो सेम दोस्तों ऐसा ही प्यार हमें मनाली की भी देना। दोस्तों हमारा रूट है यहाँ से, आज हम रात को निकलेंगे यहाँ से मनाली के लिए। तो दोस्तों हम निकलेंगे दिल्ली, पलवल, सोनीपत, पानीपत, अम्बाला, कुरुक्षेत्र होते हुए सीधा हम पहुँच जाएंगे कुल्लू, कुल्लू से मनाली, और मनाली से फिर हम अटल टनल, अटल टनल से हम जाएंगे कुकसर एक जगह है, और सीसू से रोहतांग पास। तो दोस्तों जो हिंदुस्तान का सबसे हाईएस्ट एटीट्यूड पर है दोस्तों, तो हम नीचे पका देंगे। हाँ यहाँ पर तो दोस्तों इतनी गर्मी है, चलिए नीचे चलते हैं और दिखाता हूँ हम किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, वो भी मैं दिखाता हूँ। ये दोस्तों अब कर दिए हमने अपनी जाने की तैयारी, और नीतू निकाल रही है गर्म कपड़े। क्या क्या लेके चलेगी, इतनी गर्मी है गर्म कपड़े, इतनी गर्मी में गर्म कपड़े, ये मफलर भी ले ले, कैप, ये सुमंत के लिए मेरे पे, और जर्सी वगैरह, स्वेटर वगैरह निकाल, हाँ स्वेटर, ये तुम्हारे लिए, ये वाली ब्लैक वाली, मैं ये वाला, ये बस ये वाली ले लो। हाँ ये भी सही है, ये वाली ले ले उसको रहने दे। हाँ देखिए दोस्तों ये वाली ले लो, ये एक रजाई ले लेते हैं, ठंड तो काफी होगी वहाँ पर, बर्फ भी है, अपने इंतजाम से चलते हैं पहले। हाँ हो या ना हो वो बात की बात है, वैसे मैंने ब्लॉग देखे तो वो थी, ले सुमन इसको तू ले ले रजाई को। ये देखिए दोस्तों अब हो कर रहे हैं हम तैयारी जाने की, हिना के पास में क्या है ना दिखाना एक बार। ये देखिए हिना ने सर्दियों के ले लिए कपड़े अपने, रजाई वो है रजाई ले ली हमने, ऊपर ये हमारा ऊपर का जो कमरा है ना छत पर, उसमें ये हमारा सामान रहता है, चारपाई वारपाई रखी रहती है, और नीतू भी निकाल रही है सर्दियों के कपड़े। ये देखिए जुर्राब, गर्म जुर्राब, क्या चीज़, अच्छा ये वाला कंबल, हाँ ये वाला कंबल ले लेते हैं। ये देखिए एक ये कंबल, इतनी जा रहा है ना साथ में, अच्छे जा रहे हैं ना, इससे रहने देती है। ये देखिए दोस्तों सभी लोग चले गए लेकर के रजाई, कंबल, गरम कपड़े, और ये देखिए मैं बता रहा था ना आपको कि कितनी हमारे यहाँ पर टेम्परेचर है। ये देखिए एसी भी चल रहा है, ये देखिए पंखा फिरता हुआ नज़र आ रहा होगा आपको, बहुत गर्मी है, बहुत इस समय पर गर्मी है। तो हम सोच रहे हैं कि चलिए चलते बर्फ में।
देखिए दोस्तों, 2 मिनट छत पर खड़े हुए हैं, आंखें नहीं खुल रही हैं और पसीना आ रहा है वो अलग। बहुत गर्मी है हमारे यहाँ पर, तो तैयारी वैसे हमारी कर ही रहे हैं अभी हम, और शाम तक हमें तैयारी करनी है। सुबह का समय इस समय, और दोस्तों आज है 29 तारीख है, और 29 तारीख को हम यहाँ से जाएंगे, तो शायद हम 30 को पहुँच जाएंगे, या जैसे भी आपको वीडियो में आगे आता रहेगा। पर फिलहाल हम कर रहे हैं तैयारी जाने की, तो चलिए दिखाता हूँ कैसे तैयारी कर रहे हैं हम। देखिए हमारी बड़ी वाली बुआ जी भी आ चुकी हैं हेल्प कराने के लिए, और नीतू बना रही है, क्या बना रही है नीतू? खस्ता कचौड़ी। ये बना रही है खस्ता कचौड़ी, बच्चे जा रहे हैं ना साथ में। हाँ, इस बार बच्चों की हो गई थी छुट्टी, तो दोस्तों बच्चे बोल रहे थे कि आप हमेशा चले जाते हो जैसलमेर वगैरह, तो कहाँ चलने का इरादा है? काम मनाली। कहाँ मनाली? के बाड़मेर। बाड़मेर। बाड़मेर, मैं तो बोल रहा हूँ बाड़मेर चलो, गर्मी गर्मी। और बच्चों की इच्छा है चलने की, और हम तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए, ये आ गए ना सारे सामान सर्दियों वाले, शॉल है नीतू का, ये पता नहीं क्या क्या चीज़ है, मेरा भी मफलर आ गया, टोपा वगैरह भी निकाल लिए ये हमने सभी, और गर्म कपड़े हैं, ये एक दो बैग हो गया, रजाई हो गई, कंबल हो गया। चलिए दोस्तों, अब ये कपड़े वपड़े की तो हमने तैयारी कर ली है, और अब करते हैं अपनी गाड़ी की तैयारी। दोस्तों हमने होटल में एक जगह बात भी की है मनाली में, तो एक हमारे गाँव का एक भाई है जो टोल प्लाजा पर रहता है, उसने बात करा दी है हमारी, और अपनी गाड़ी को भी करते हैं तैयार। आराम से उतारना इसके ऊपर दोस्तों, हम ये फट्टे लगा देते हैं क्योंकि बंदर बहुत हैं हमारे यहाँ, और ये बंद है बेटा, नीचे से बंद है, नीचे से बंद है, उसको खोल दे। चलो निकल गई अपनी धन्नो मनाली के लिए। ये देखिए दोस्तों, एक दिन ये जब चल रही थी थार डेजर्ट में, और अब ये चलेगी बर्फ़ में। हमारी गाड़ी दोस्तों ऑल व्हील ड्राइव है, 4x4 नहीं है, और 2 व्हील ड्राइव भी नहीं है, ऑल व्हील ड्राइव है। इन कागजों को ना संभाल करके रखनी है, कागज बैग में रखूंगी, मैं फिलहाल निकाल के ले बेटा ने अंदर आगे सही बैठने को बिल्कुल सिस्टम खत्म, सिस्टम खत्म, हां आराम से बैठे रहिए, ऊपर बैठा इसे निकाल देते हैं दोस्तों, इसको ऐसे रख दें, रखें या ना ना ना, ये देखिए दोस्तों ये निकाल दिया हमने अपनी सीट गाड़ी पीछे वाली, बच्चों के सोने के लिए तो आराम से सो जाएंगे उस पर, बच्चे कैसे सोएंगे वो मैं दिखाता हूँ, उसको ऐसे पीछे से दबानी पड़ेगी। ये देखिए दोस्तों, अब ये बना दिया है हमने इसको बेड, आराम से ना सो करके देख रही है, अब दो जने तो सो जाएंगे ना आराम से, आ जाएंगे मैं आगे आ जाऊंगा, टेंट लगा लेंगे, हाँ फिर टेंट लगा लेंगे, फिर रूम लेंगे। दोस्तों हमने अपनी गाड़ी को बिल्कुल बेड बना लिया है, और अभी बना रहे, थोड़ा बहुत और है, इसमें गद्दा लगा देंगे। ये देखिए काफ़ी बड़ी स्पेस हो गया गाड़ी के अंदर, और इसमें करीबन दो यानी कि हिना सुमन तो दोनों आराम से जो है सो जाएंगे, और मैं टेंट में सो जाऊंगा, टेंट है मेरे पास में, और नीतू हम दोनों टेंट में सो जाएंगे। देखिए दिखाता हूँ जब ये लेटेंगे तब दिखाता हूँ कैसा लगेगा। और दोस्तों गर्मी का तो मैं बार बार बोलूँगा, बहुत भयंकर गर्मी है। नीतू ने आराम से बेड शीट भी लगा करके और बेड बना दिया, एकदम लग रहा है ना डबल बेड सा। देखिए दोस्तों आराम से बच्चे बैठ गए। हाँ हाँ हाँ, ऐसे भी बैठ के जा सकती है, देखिए ये भी तेरी सीट भी हो गई ना यहाँ से, और लेट के भी जा सकते हो, लेट ना दोनों आ जाएंगे, ऐसे लेट के जाओगे, सीधे लेट के जाना, गर्मी में पक रहा है। ये देखिए आराम से हो गया इनका बेड, ओ उस तो टूप आराम से लगा के चल रहा है, गर्मी है, हाय गर्मी। चलिए कैसा लग रहा है हमारा दोस्तों बेड, यहाँ पर तो आ रहा है पसीना, लेकिन जा रहा है ऐसी जगह कि ये हमको पहनने पड़ेंगे वहाँ पर, स्वेटर वगैरह, रजाई भी ओढ़नी पड़ेगी। चलिए चलते हैं दोस्तों, और आपको भी ठंड का एहसास कराते हैं, क्योंकि राजस्थान में जयपुर वगैरह में सब गर्मी के ही समाचार आ रहा है कि इतनी गर्मी, पापड़ सेकी, चिप्स सेकी, आमलेट बनाई, और हम आपको कराएंगे सब ठंडी का एहसास। तो वीडियो में बने रहना दोस्तों, वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है, और अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना, सपोर्ट देना। हाय गर्मी कैसी गर्मी अब है,
यहाँ तो गर्मी लग रही है लगा के, लेकिन लेके जाने हैं ये हमको, क्योंकि ठंड में जा रहे हैं, क्योंकि गर्मी से ज़्यादा हो गए परेशान, सहन नहीं कर पा रहे हैं अब गर्मी हम यहाँ पर, तो चलिए चलते हैं सीधा हिमाचल। दोस्तों इस ब्लॉग ये ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा, और इसमें मैं आपको दिखा दूंगा हम कैसे यहाँ से गए थे जब जैसलमेर, और जैसलमेर में कितनी गर्मी थी वो सारे वैसे तो आपने वीडियो देखे होंगे, फिर भी मैं छोटी छोटी क्लिप लगा दूंगा। ये देखिए हम किस प्रकार से हमने यहाँ पर पानी भरा है नीतू ने, और जो बकरी वगैरह थी उनको कैसे बकरियों को पानी पिलाया है। आँखें नहीं खुलती हैं दोस्तों, इतना डेजर्ट ही डेजर्ट है चारों तरफ, आपको जहाँ तक आप देखो आपको सुनसान रास्ते ही दिखाई देंगे। या आप अगर मैं, मेरी वॉइस आ रही होगी पीछे, आप देखना ये मेरा खुद का वहाँ का जैसलमेर का बना हुआ है, और बहुत ज़्यादा गर्मी। अब दोस्तों हम आपसे सिर्फ इतना ही बोलना चाहेंगे कि आज से हमारी जो मनाली की जो ट्रिप है, अगर हमारे कोई सब्सक्राइबर भाई हैं, अगर मैं पहली बार जा रहा हूँ बर्फ़ में, और मनाली शिमला गया हुआ हूँ पहले, हम दोनों ही गए थे, इस बार बच्चों को भी लेकर के जा रहे हैं, खुद अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, तो दोस्तों अगर आपको कोई भी जानकारी हो, और मैं कभी पहले नहीं गया, अगर आपको जानकारी है कि रोहतांग पास का हमें पास कहाँ से लेना पड़ता है और कैसे बनाना वो बनवाना पड़ता है, तो प्लीज़ आप एक बार कॉमेंट करके बताना। दोस्तों अब हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, अब हमारी सीरीज़ के अनुसार वीडियो आएंगी जो मनाली की सीरीज़ है, तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देना अपना, जैसे हम राजस्थान गए थे बहुत प्यार और सपोर्ट मिला हमको इस ऐसे ही ट्रिप पर भी, हमको प्यार और सपोर्ट देना, और इस बार हमारे बच्चे भी हैं हमारे साथ में, तो देखते हैं कैसी वीडियो बनती है, वहाँ का कल्चर भी आपको दिखाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, मनाली की ट्रिप, मनाली की ट्रिप, चलो मनाली, बाय।